क्या क्या नाम बताया आपने अपना? सलाउद्दीन। थोड़ा तेज बोला। सलाउद्दीन। फिर तकलीफ की वजह से जाना नहीं हो रही है, साल भर से कहाँ ही नहीं जा रहे। सांस की वजह से दवाई वाई कितने भागना पड़ता है। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे नहीं है बड़ा भाई, वो बोलने से कोई फायदा नहीं। और माँ है, माँ क्या नाम है, कहती है कि लाओ सौ रुपये दो रोटी पानी के, मैं कहाँ से लाऊँ जब सांस फूलता है, तकलीफ पड़ती है, मेरी दवाई के अपने पैसे नहीं हो रहे। अच्छा हाँ। माँ को छोड़ के आ गया अकेले? क्या नहीं, भाई हैं दो। अच्छा दो भाई हैं। तो यहीं रहते हैं आप? जी यहीं सोना, रोड पे सोना, यहीं रहना। क्या करें, नशा करते हो? नहीं यार, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं, कुछ नशा नहीं करते नहीं। तो कैसे चलती है आपकी ज़िंदगी? चल रही है भाई, सब बस क्या करें। कितनी उम्र आपकी? रोज 50। 50 साल उम्र है, रोना नहीं है ना, हिम्मत से काम लेना है। तो ऐसे ही बस जो कोई खाने खिला देता है तो खा लेते हो, रोड पे रहते हो यहाँ पे? घर वाले कहेंगे कम से क्या करूँगा, क्या जवाब दूँगा? अच्छा क्योंकि वो कहेंगे रोटी खानी है तो पैसे दो, रोटी के लिए कहाँ से लाऊंगा मैं उनसे। माँ ऐसे नहीं है जो मतलब वो खिला देगी बिठा के या वो कर देगी। माँ की उम्र भी कम से कम 65-70 की लपेटे में। तो आप क्यों नहीं जाते? आप चलो, हम आपके भाई से बोलेंगे, आप चलो तो सही एक बार घर पे। अरे बड़ा भाई वही ज़्यादा ताना मारता है वो। अच्छा हाँ, वही कहता है क्या नाम है, लाल रोटी खानी है तो पैसे दो, 100 रुपये रोज, 100 रुपये रोज मांगते हैं आपसे। तो इसलिए आप सब दर बार घर छोड़ के आप यहाँ पड़े हो। तो कैसे ज़िंदगी काट रहे हो बताओ? काट रहे हैं जैसे भी कट रही है। मन नहीं करता घर जाने का? करता तो बहुत है, सबसे मिलने को दिल करता है। जब वो खुद क्या नाम है दिन भर ऐसे वो करते हैं कि क्या नाम है ये कर वो कर, जब आदमी सांस खोलेगा तो कोई काम नहीं होगा तो क्या करेगा? मैं किस तरह से करूँगा? चलते चलते इतनी दूर चलने में जैसे कि यहाँ से बाहर तक भी नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा जैसे क्या नाम मेरी हालत खराब हुई। तो खाना कैसे, जो कोई खिला देता है खा लेते हो बस, इसके अलावा कुछ? कोई नहीं, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चचा ये बताओ जिंदगी कैसे चलेगी ऐसे? अब ये तो ऊपर वाले को मालूम है, ऊपर वाले कह सकता कुछ। नमाज पढ़ते हो? नहीं भाई, कहाँ ही नहीं नमाज पढ़ते। तो कपड़ों का चीज़ों का इंतजाम होना ज़रूरी है ना। अच्छा जब हम जाएंगे ऊपर, जब मरेंगे तो हम ये कहेंगे भाई कपड़े नहीं थे हमारे पास? वो बात सही है आपकी, मैं किससे मांगूँ? देखो कौन दे देगा, देने वाला कौन है? कौन है देने वाला बताओ, देने वाला कौन है? ये दुनिया कौन चला रहा है? कोई तो है सुपर पावर, कायनात चलाने वाला कोई तो है, उसी से मांगो। उससे भी तो कितना वो करते हैं रात और दिन, ये कहते हैं कि दे दे तो हमें भी कुछ हो जाएगा, हम भी तेरे काम करेंगे, किसी और के नहीं थोड़ी जिएंगे, जिएंगे तो तेरे सारे तो जिएंगे। अच्छा कपड़े कितने के आएंगे आपके हैं? कितने के कपड़े आएंगे आपके? अरे तो 300 का भी जोड़ा है, 250 का भी जोड़ा है, 500 का भी जोड़ा है, कुर्ता पजामा अगर लोगे भी तो जैसे हिसाब है वैसे भी बोलता। अच्छा अगर हम आपको कुछ पैसे दे तो आप नशा तो नहीं करोगे? नहीं भाई साहब, गलत काम नहीं, गलत के तो हम कुछ खिलाफ है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी आएगा लाख जूतों से बात करेगा तो वो काम नहीं चाहते हम। अगर मान लो कि आप ही बैठे हो हमारे बगल में और आप कोई नशा नहीं करते तो कितने दिल में आप गालियाँ बकोगे? तो ये अच्छा है या बुरा है, इन हर चीज़ों से सिलोचन बाजों से भी। अच्छा हम ये चाहते हैं कि आप नहाओ, अच्छे से रहो, कपड़े खरीदो, और हो सके तो अपने घर जाओ। तो चले जाएंगे अगर ऐसी कोई कहानी होगी तो। अब अगर आप वहाँ जाओगे तो हम आपके भाई से बात करके आपको रखवा देंगे वहाँ पर। हो जाएगा तो अच्छे बढ़िया, क्या बात, ठीक है ना। अभी हम आपको कुछ पैसे देंगे तो आप कोशिश करना कि उनका कुछ अच्छे से। आप कब आओगे ये बताओ, मैं तो जब तो ला के मैं रख दूँ, नहा धोकर जब तैयार हो जाऊँ। तो 30-35 रुपये लगेंगे, 30-35 रुपये लगेंगे, 30-35 रुपये आप अपने घर पहुँचो। हम चाहते हैं आप अच्छे से नहा के कपड़े धोके घर पहुँचो अपने, आओगे तो मैं रखवा दूँगा आपको। ठीक है ना, बस हिम्मत नहीं हारना है। नहीं हिम्मत नहीं हारूंगा, अरे जो कह दिया दुकान से। देखो इज्जत और जिल्लत, सेहत तंदुरुस्ती
ये देने वाला कौन है? ऊपर वाला, ऊपर वाला है, ठीक है ना। उसने जिस हाल में रखा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो खान साहब आप जाइए अपने घर पे, ठीक है ना, कपड़े बनाइए और हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, लेकिन उन पैसे का नशा ना कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको आप कहो तो आप वहाँ मिल जाओ कल या परसों में, तो मैं आपको वहीं से होता हूँ जब आप जा रहे थे। और बोलो पक्का प्रॉमिस? बिल्कुल बिल्कुल, जुबान दे करके वो नहीं करता मैं, कह रहा मैं आप इसे झूठ बोल के। इनका आपको दो जोड़ी कपड़े खरीदने हैं आपको, ठीक है ना। दो जोड़ी कपड़े खरीदोगे, नहा के धोके अपने घर जाओगे, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आते घर वाले कुछ कहते तो आप हमें बताना, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, हिम्मत से काम ले, इंशाल्लाह ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।